Vrindavan. Rupa Manjari led by Radha Krishna Vrindavan, yaka tong yao yaka. And that same Rupa Manjari became a practicing devotee named Rupa Goswami, who wrote this book. Rupa Manjari 就成为了一个呢，系收集者形象，就成为Rupa Goswami，就系佢写咗呢本书噶啦。 So Rupa Goswami is a follower of the Manjaris, but at the same time, he's a Manjari himself. 咁 Rupa Goswami 咧，佢係一個Manjari嘅跟住者，但係同一個時候，佢自己本身咧，亦都係一個 Manjari 嚟㗎。So we follow the associates and the followers of the associates. 咁所以咧，我哋係跟隨啲同遊咧，亦都係跟隨啲同遊嘅跟隨者。 I know this sounds a little inconceivable. 聽上去好似好不可思議啦。Especially to the new devotees, but everything will become revealed in no time. 咁聽上去好似好不可思議，但係咧，尤其對新朋友啲，但係咧係好快咧，大家就會呢啲會向我哋結識嘅。So one should practice engaging his tongue. 呢個要用自己從此用舌頭啦。佢嘅耳朵啦。And his mind. 同埋心意嚟唱，咁一切咧都會係啊好吸收。And then Maya. 然之後假象咧。你係你嘅身體。And everything in relation to your body is yours. 一切同你身體有關嘅全部都屬於你嘅。呢啲就會走咗去㗎啦。 Now we come to verse 9. 而家我哋講到第九個詩節啦。And we'll sing that together. 一齊讀呢個詩節啦。Goloka Vrindavan. The best place there is Mathura, where Krishna took birth, God took birth. 嗰度就馬杜拉，就係話咧，啊，主喺嗰度係顯現嘅出生。And the best place within Mathura is Vrindavan. 馬杜拉嗰度最好嘅地方叫Vrindavan。Where Krishna plays with all of his coward boyfriends and girlfriends and parents and तत्पश्चात यहाँ विधानसभा के मंत्री और सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में बहुत कुछ अच्छी बातें बतलाई। अभी हमारे शास्त्रों में यह बतलाया गया, सर्वे सुखना भवन्ति, सभी सुखी हों। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सर्वत्र दुखी ही है, जीवन मरण बुढ़ापा, तरह तरह के शारीरिक रोग, मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, इसलिए सभी सुखी दुखी हैं। इसलिए आशीर्वाद करते हैं सर्वे सुखिना भवन्ति, और भी कहते हैं कर्मण्यारम्भानानां दुःखत्यै सुखाय च पश्येत् पाप विपर्यासं मिथुनाचार्यां। कर्मण्यारम्भानानां प्राणी मात्र
चाहे वो सामाजिक रूप में, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, यही चेष्टा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज सभी सुखी रहें। किंतु फिर भी कोई इसके लिए चेष्टाएं भी होती हैं, किंतु कोई सुखी नहीं। कोई बुढ़ापा तो रोक नहीं सकता, बीमारी रोक तो नहीं सकता, मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सभी लोग मिल करके चेष्टा करने पर भी दुखी होता है। आखिर ऐसा क्यों? और एक बात है, आधुनिक विज्ञान ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यहां तक कि रसोई घर से लेकर, इतने आविष्कार किए हैं मनुष्यों को सुखी रखने के लिए जो आश्चर्यजनक। कहां थोड़ी ही समय में विश्व के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं, थोड़े से थोड़े से, और घर में बैठे ही कहां ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रहा है, यूरोप में फुटबॉल हो रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, मोस्टर को अमेरिका में क्या कर रहे हैं, एक क्षण के अंदर में ये पता लग जाता है। इन आविष्कारों से पृथ्वी छोटी हो गई। तात्पर्य क्या है? सभी निकट हो गए, सभी देश, किंतु इस विज्ञान का भी साप ये है, एक मकान के एक ही फ्लैट के अंदर में रहने वाले का हृदय बहुत दूर है। हम उन्हें नहीं जानते, उनको क्या कष्ट है सुख है ये भी नहीं जानते। सांसारिक भोगों की भूख बड़ी, किंतु आत्मा की भूख मर गई। कोई सुखी इसीलिए नहीं, इसलिए कहते हैं क्यों नहीं, जैसा उपाय होना चाहिए वैसा उपाय हम लोग नहीं करते। ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा ममई वन तो जीवनों के जीव। हम अभी जो हैं ये शरीर, बस समझो जी मैं शरीर हूं, ये तो हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब की एक थैली है, इसका तो कुछ नहीं, मरने पर इसे जला देंगे, नहीं जलाने जलाएंगे तो गंदा हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, बहुत दया करके दिया, करोड़ों जन्मों से जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई है हम लोग जन्मते और मरते आ रहे हैं, कभी कीड़े गधे सूकर कूकर हुए, कभी इंद्र में स्वर्गलोक में इंद्र इत्यादि हुए, ब्रह्मा तक हुए, आज तो वो सुख ढूंढ रहे हैं किंतु आज तक सुखी नहीं है कोई। क्यों नहीं सुखी? वही सुखी होगा जो यथार्थ योग्य गुरु के बातों का अनुसरण करे। गुरु कौन है, संत कौन है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साप्ते परे च निष्णातं ब्रह्मन्युपसमाश्रय। यदि संसार के दुखों से उब गए तो एक योग्य गुरु के पास में पहुंचो, उनसे हमारा कल्याण कैसे होगा पूछो। गुरु का लक्षण क्या? गुरु का लक्षण है समस्त शास्त्रों में निपुण होंगे, शिष्यों के समस्त संदेहों को मिटा सकते हैं, भगवान की अनुभूति हो,
कीर्तन में रुचि हो और संसारिक विषयों में विरक्ति हो। संसार से विरक्ति नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, भगवान की अनुभूति नहीं है, वो दूसरों को क्या भगवान की अनुभूति दे सकता है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए तुलम जतेत न पतेत अनुमृत्युजावत, सद्गुरु के निकट जाकर मरने के पहले इस जीवात्मा और परमात्मा को रियलाइज करो। आत्मा क्या है? इन आंखों से नहीं दिखेगा, शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा वो भी नहीं देखता, किंतु उनका रूप है। कुछ लोग यूं कहते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है इत्यादि, किंतु यह बालक बात सर्वथा भ्रामक है। जिस भगवान से जगत की सृष्टि हुई और उसी का रूप नहीं, तो कैसे ये जगत में ये सब रूप हो सकते हैं? नहीं हो सकता। कॉज एंड एक्शन थ्योरी, इसके द्वारा ये प्रमाणित होता है। आम का, आम की गुठली है, उससे आम का पेड़ हो जाएगा। कितने पत्ते होंगे, कितने वर्ष जिएगा, कैसा फल होगा, मीठा खट्टा, सब वो गुठली बतला दी। जो कोई कुछ है ही नहीं है, भगवान निराकार है, बीज ही संसार का बीज भगवान है, वही निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें वात्सल्य भाव नहीं, उसमें कृपा नहीं, तो ऐसे भगवान या ब्रह्म को मानने की क्या आवश्यकता है? जो धारण नहीं कर सकता, इसलिए सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, प्रजनंदन श्याम सुंदर, यही भगवत्ता की यक्ता है, सीता है। उनमें ये सारे गुण और सारी सब गुण के निकट दीक्षा इत्यादि ग्रहण कर भजन करते 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 चित्त प्रसन्न होगा। कहते हैं व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, चार उसके सुंदर रूप से व्याख्या करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की, वो भी कठिन होने पर उन्होंने महाभारत की रचना की, और इसका अतिरिक्त उसको समझने के लिए पुराणों की रचना की, तो भी चित्त खिन्न था। नारद जी उनके आश्रम में आए, पूछा गुरु जी हमारा चित्त खिन्न क्यों, प्रसन्न नहीं? उन्हें बतलाया तुमने इन सारे ग्रंथों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जैसी व्याख्या की, ऐसे भगवान की लीलाओं की कथा तुमने वर्णन नहीं किया। क्या जो सोदा मैया ने उस पर ब्रह्म को ओ भक्तम हो भक्तम नंद को शाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ऐसे पूर्ण ब्रह्म को अपने प्रेम से बात बांध दिया, लिखा गोपियों के चरणों में वे सर्वेश्वर गिर कर करके प्रार्थना करते हैं जैसा दोष नहीं करूंगा, लिखा नहीं, न पारे हम निर्वत्त नहीं। इसलिए ऐसा करो, भक्ति योग से समाधि में जाओ, भगवान की लीलाओं का दर्शन करके उसे। तो उन्होंने समाधि योग से अपश्यत पुरुष पूर्ण माया ज्यादा पास किया, उन्होंने भक्ति योग में पूर्ण पुरुष कृष्ण को देखा, मैया यशोदा को देखा, नंद बाबा को देखा, सखाओं को देखा, गोपियों को देखा, और सब लीलाओं को उन्होंने देखा और श्रीमद् भागवत की रचना। इसलिए समस्त प्रमाणों में निर्मल प्रमाण ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहते हैं
आराध्यो भगवान प्रजे सतनयस्तत धाम वृंदावन परम्या कार्तिकी पार्श्वना पद पद पर गई निजा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अवल प्रेमा कुबत्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्प्रादो। क्या तात्पर्य? ब्रजेंद्रनंदन राधाकांत गोपीकांत कृष्ण ही हमारे परमार्थ है। वृंदावन भी वैसे ही आराध्य है। वृंदावन के अतिरिक्त कृष्ण का भी भाव नहीं होता, उनकी लीलाएं नहीं होती, कहीं और दूसरी जगह। और गोपियों की उपासना पर उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव से ये सर्वश्रेष्ठ उपासना जो गोपियों में थी। कृष्ण से गोपियों की शादी नहीं हुई, किंतु उनका प्रेम ऐसा है गोपीनाथ राधानाथ इत्यादि नाम उनके पड़े हैं। इसलिए गोपियों का राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के प्रति प्रेम ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। प्रेम नहीं है, जरासंध ने कंस में कृष्ण को देखा, कृष्ण को शत्रु रूप में देखा, इसलिए वो प्रेम कैसे मिलेगा उसका हमारे रूप को स्वामी ने बतलाया है। आदो श्रद्धा तत साधु संग तथो भजन क्रिया नक्षा, पहले साधु संग हो कुशल परमार्थी की श्रद्धा होगी, तत्पश्चात भजन करते करते अनर्थ दूर हो गए, उसके पश्चात में निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद में रुचि आसक्ति भाव महा, इसके बाद में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब अवस्था है। इसका समय पर हम वर्णन करेंगे, अभी समय हो गया है। और साधन बहुत तरह होने पर भी, 64 प्रकार के होने पर भी भक्ति के 9 प्रकार के साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सत्यम भाषण, इससे भी श्रेष्ठ 5 हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बाग, श्री मूर्ति की शिक्षा, ये 6। और इससे भी 3 प्रधान हैं, भगवान के कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उन सब में श्रेष्ठ है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यो 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 गतः। और उन नामों में भी कलयुग में उस सबसे श्रेष्ठ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज से ही इस नाम को आरंभ कर देंगे और जीवन में देखेंगे आप लोग सुखी हैं। आज यही कह करके अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। जिन्होंने आयोजन किया है उसमें जो सहायता दी है सबको विशेष विशेष धन्यवाद और मेरा स्नेहा दूंगा बहुत प्रणाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय